नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। अगले 6 महीने तक दक्षिणायन रहेगा, साथ ही देवशयन होने से चतुर्थ मास भी चल रहा है और अधिक मास जो है वो 16 अगस्त यानी कि कल जो है वो समाप्त हुआ है, यानी पुरुषोत्तम मास समाप्त होकर अब 17 अगस्त यानी कि आज से शुद्ध श्रावण मास प्रारंभ हो गया है और इस शुद्ध श्रावण मास में विभिन्न पर्व त्यौहार मनाए जाएंगे और आज इसी विषय पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौर जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जय शुभ आशीर्वाद, श्री राम जय राम, जय राम मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी से हम विस्तार से बातचीत करेंगे और श्रावण मास के बारे में क्या कुछ त्योहार आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका चल रही है, कोई परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तुरंत आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, 0120715387, 0120715386। और चलिए अब विस्तार से आचार्य जी का रुख करते हैं और उनसे जानेंगे। आचार्य जी, कल ही जो है वो अधिक मास समाप्त हुआ है, पुरुषोत्तम मास, अब शुद्ध एक बार फिर से श्रावण मास की शुरुआत हुई है, प्रारंभ एक बार फिर से हुआ है, अब ऐसे में क्या इसका महत्व है और किस तरीके से इसमें जो त्योहार आने वाले हैं, जो पर्व आने वाले हैं, वो कौन कौन से पर्व हैं, किस तरीके से उन्हें मनाया जाए, क्या उनके महत्व है? देखिए अंकुर जी, ये सही बात है कि आज 17 अगस्त से श्रावण मास का शुभारंभ हो गया, शुद्ध श्रावण मास शुभारंभ हो रहा है। इस शुद्ध श्रावण मास में विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार तो रहेंगे, साथ में सोमवार के जो 4 व्रत करते हैं, 2 सोमवार के व्रत यहाँ करने को मिलेंगे। श्रावण के 4 सोमवार, 4 अधिक मास के लोगों ने जो किया है वो अच्छी बात है, लेकिन 2 इधर कर पाएंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें बीमारी के कारण या परेशानी के कारण या बिजीनेस के कारण वो 8 सोमवार के व्रत नहीं कर सके, तो 2 पहले कर लिए और 2 इस बार अब कर ले गए। अगस्त में कई बार नक्षत्र ग्रहों की स्थिति शुभ संयोग बना रही है और जैसा कि आपने बोला कि भाई सूर्य कर्क राशि में आ गए हैं और इसी प्रकार से जो है दक्षिणायन रहेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब जो श्रावण मास में पर्व जो है वो बड़े महत्वपूर्ण पर्व आ रहे हैं जिनमें हम कहें कि कार्तिक तक चलने वाले हैं। सबसे पहले तो पंचमी का पर्व जो भोलेनाथ के नाग पंचमी कहलाती है जी। फिर भाई बहन के अमर प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन, फिर सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी तीज, हरियाली तीज 19 अगस्त को आ रही है, नाग पंचमी 21 अगस्त को आ रही है, 23 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व रहेगा जी। इसके साथ ही अगस्त के पूरे महीने में ग्रह नक्षत्र योगों के बेजोड़ संयोग प्राप्त हो रहे हैं, जैसे 5 दिन रवि योग रहेगा, 5 दिन सलवार सिद्धि योग, 3 दिन सिद्धि योग, 1 दिन प्रजापति योग, 2 दिन वर्धमान योग, 3 गज केसरी योग और 2 दिन महालक्ष्मी योग, 2 दिन बुद्धादित्य योग बन रहा है। तो ये रक्षाबंधन का पर्व जो है से लेकर के दिवाली तक बहुत सारे योग रहेंगे जी। अब हम बात करें वर लक्ष्मी का योग कब बन रहा है, तो रवि योग 25 अगस्त को बन रहा है, 7 अगस्त को और 22 अगस्त को, 7 अगस्त को सोमवार है, 22 अगस्त को मंगलवार है, 25 अगस्त को शुक्रवार तो है और 30 अगस्त को रक्षाबंधन। वहीं सर्वार सिद्धि योग की बात करें तो आप देखिए 20 अगस्त के दिन हो रहा है, 24 अगस्त के दिन भी सर्वार सिद्धि योग हो रहा है। सिद्धि योग की बात करें तो कल शुक्रवार यानी 18 अगस्त को सिद्धि योग हो रहा है। तो इस प्रकार से योगों का बड़ा भरमा रहेगी, योग की बड़ी महिमा होती है और बुद्धादित्य योग तो सभी जानते हैं कि अगस्त को बढ़ रहा है और 29 अप्रैल को भी
तो यहां मैं जो कहना चाह रहा हूं कि 21 अगस्त सोमवार के दिन सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, सिंह राशि के अधिपति एवं स्वयं सूर्य देव है, बुध के मित्र हैं, इसलिए युति बुध आदित्य योग का निर्माण करती है। नाग पंचमी का भी एक पर्व बहुत बड़ा होता है, जिसमें काल सर्प दोष निवारण के लिए लोग बड़े समय से इंतजार कर रहे हैं जी। इस प्रकार से ये अभी जो है शुद्ध श्रावण के मास में ये रहेगा। आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात करी कि सभी दर्शकों को हमारे शुद्ध श्रावण मास के त्योहार पर्व के बारे में पूछा और ये सभी दर्शकों के समक्ष बात आई जी, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत आपको मंगल शुभकामना। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और साथ साथ में इस विषय पर भी बात करते रहेंगे। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। आवाज मिल रही है आपको? तो और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हाँ जी जी, स्वागत है आपका। हेलो, राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछा, उसका नाम नरेंद्र सिंह है, डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 2002, टाइम रात के 11:35। गुरु जी, मैंने पूछा था कि ये जब भी पूजा करता है ना, इसके मन में ना गलत विचार आते हैं कि तू जिस मर्जी पूजा कर ले, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे विचार आते हैं। तो गुरु जी, इसका भी एग्जाम हुआ था तो उसमें नाम भी आया, मुझे टेंशन में भी रहता है, तो आप उन्हें बताइए कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी साफ साफ। देखिए जी, नरेंद्र को सरकारी नौकरी मिलने के पूर्ण योग और संयोग बन रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें और कोशिश करें कि इनको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए प्रेरणा दें, उसमें लाल पुष्प रख करके फिर सूर्य को जल दें। साथ ही इनको धैर्य और विवेक से कार्य करना चाहिए, किसी प्रकार से भावात्मक दृष्टिकोण से कोई कार्य ना करें, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी प्राप्त करने की श्रृंखला में एक ही बात कहना चाहूंगा कि इनको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, जरूर सफलता प्राप्त होगी, बड़ी मंगल शुभकामना है। बिल्कुल। अच्छा जी, और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। नाम दीप्ति है और 14 अगस्त 1984 रात का समय 11:15, स्थान सुजानगढ़ है, उनके उनके 14 तारीख को जन्मदिन था, और उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दे और उनके भविष्य के बारे में भी बताएं, स्वास्थ्य के बारे में भी। हेलो, 14 अगस्त जिनका जन्मदिन था उनको बहुत मंगल शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, बड़ी बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं और उनके लिए हम बड़ी कामना करते हैं। और आपको बता दें कि मेष लगन में जन्म हुआ है और केतु की महादशा है, चंद्रमा का अंतर है, राहु का प्रतंत्र है, और केतु जो है इनका अष्टमेश केतु और मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। ये बड़ी इंटेलिजेंट और बहुत समझदार, बड़े संयुक्त परिवार, बड़े परिवार में रहने वाले बच्चे होगी, पियर पक्ष में भी और आगे भी। केतु की महादशा वर्तमान में इनको काफी कष्टदायी रह रही है और नैसर्गिक पाप रह केतु है, भाग्यवश वृश्चिक राशि उच्च की होती है, उसमें बैठा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य आदि को खराब नहीं करेगा लेकिन भविष्य को लेकर के काफी चिंतित कराएगा। काले कुत्ते को दीप्ति रोटी देना शुरू करें अपने हाथ से शनिवार के दिन, और शुभ मंगल और शुभ होने की स्थिति बनी रहेगी। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं, बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। राम राम जी। राम राम जी। मैं आपकी डेली की दर्शक हूँ पंडित जी, और मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। 3-4-58 जी जी जी, जन्म स्थान और समय बता दीजिए। जी जी, गुरुवार का जन्म है, आगे बताइए। 3:30 सुबह के हैदराबाद, 3:30
सुबह के और हैदराबाद जी। सवाल कीजिए आप अपना। सवाल है, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है और पति भी बीमार रहते हैं, तो उसके पति का सुहाग कैसा रहेगा पंडित जी बताइए। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पैरों में बहुत दर्द रहता है जी। देखिए बहन जी, इनको शनि की महादशा है, सूर्य का अंतर है, बड़ी बात है कि गुरु चांडाल योग बना हुआ है दसवें भाव में, बुध और केतु की भी युति बनी हुई है, केतु योग कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव में बैठा है और नैसर्गिक पाप ग्रह भी केतु है, इसलिए ये काफी इनको टेंशन की स्थिति तो पैदा करता ही है, पर स्वास्थ्य में इनके शरीर में दर्द और पेन की स्थिति ज्यादा पैदा करेगा। इसके लिए चाहिए कि इनको हर शनिवार के दिन काले तिल थोड़े इनके ऊपर से 7 बार उसाने, उन्हें क्रश करके घी और बुरा मिश्रण करके और संध्या के समय चींटियों को डलवाना शुरू करें, अवश्य लाभ होगा। वहीं इनके हाथ से किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में मोर पंख भेंट कराए, जरूर इनको फायदा होगा। बड़ी मंगल शुभकामना। आचार्य जी हमारे साथ, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और भी दर्शक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी, चरणों में सत्सत प्रणाम जी। आयुष्मान, श्री राम जय राम, जय राम मेरे राम की जय। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, मैं मेरे द्वैते के बारे में जानना चाहता हूँ। द्वैते का नाम है अनिरुद्ध, उसका जन्म है 23 मई 2011, जन्म स्थान है जयपुर और जन्म समय शाम को 4:44 बजे, और उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, नौकरी सरकारी जॉब के बारे में बताएं और उपाय बताएं। आपको बहुत मंगल सूचना है, तुला लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है और राहु का ही प्रतंत्र है। राहु इनका लाभ घर में, दूसरे घर में, द्वितीय भाव में पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। राहु नीच राशि में बैठा है, राहु इनके मन को अशांत और मोहभंग कर रहा है, राह से भटका देता है, राह पर नहीं टिकने देता है। इसलिए कृपालु बुधवार के दिन हरा चारा गायों को डालना शुरू करें। वहीं आपको बताएं कि हरे मूंग लेकर के मंगलवार के दिन तांबे के बर्तन में भिगो दें और सिराने की तरफ रख दें। बुधवार के दिन सुबह उबाल के ठंडा करके गाय, सफेद गाय को देने के लिए कहें, या फिर उन्हें सफेद गाय पर खिलाएं, वो ज्यादा ठीक है। बड़ी मंगल शुभकामना। और भी कॉलर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। हेलो, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, सवाल कीजिए आप अपना, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं पुष्पेंद्र बोल रहा हूँ, रतपुर राजस्थान से। जी स्वागत है, बताइए। गुरु जी ने राहु की वो महादशा बताई थी मेरे को, लेकिन वो पत्नी वो क्या नाम है, 5 जुलाई 2023 तक बोली थी। नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? पुष्पेंद्र जी, आपका जन्म दिनांक, समय और शहर बताइए। 17/11/1987। जन्म स्थान और समय बता दीजिए। 17/11/1987। जन्म स्थान और समय भरतपुर राजस्थान। समय बताइए। समय भरतपुर राजस्थान। समय समय जन्म समय 5:30 बजे। जी देखिए, आपका प्रश्न जो है
अपने करियर को लेकर के हो रहा है। आपने तुला लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा है और राहु की महादशा भी नहीं हटी है। राहु 13/9/2023 तक रहने वाला है, फिर बृहस्पति की महादशा शुभारंभ होगी और ये बृहस्पति की महादशा आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाली है। आपकी लाइफ को, आपके जीवन को बदलने वाली है, आपके सम्मान को, आपकी इज्जत को, आपकी शोहरत को, आपकी प्रतिष्ठा को बहुत विस्तार होगा, साथ ही धीरे धीरे होगा। आप ये मत समझना कि एक दिन में कि 15/10 से ही आपको बहुत आनंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 15/10 तक तो राहु का ही प्रभाव रहेगा और उसके बाद धीरे 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 आपको बड़ा लाभ होने लगेगा, पर साल भर में आपको अनुमान लग जाएगा कि अब आप अग्रसर तरक्की की ओर हो चुके हैं, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो आपके स्वराशि के, हालांकि खर्च भाव में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, स्वास्थ्य के पाए कमजोर करते हैं, स्वास्थ्य भाव में बैठे हैं, पर अनुकूल स्थिति बनाएगा। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। और भी कॉलर हमारे साथ है आचार्य, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य से। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा गुरु जी, मैं बोल रहा हूँ विष्णु कुमावत किशनगढ़ से। मेरा जन्म दिनांक है 30/12/1978 जी। सुबह का समय मुझे 5:30 बजे का जी। मेरा सवाल है कि मैं जिस काम को करना चाह रहा हूँ उस काम को मैं भविष्य में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए कुछ बताइए। देखिए, आपका बहुत स्वागत है, आपने वृश्चिक लग्न में जन्म लिया है, राहु की महादशा है, शनि का अंतर है, मंगल का प्रतंत्र है, राहु और शनि की युति आपके कर्म भाव में हो रही है। कर्म क्षेत्र में जो है राहु और शनि दोनों विराजमान है, युति कर रहे हैं। राहु का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ होता है। जन्म पत्री में अपने आपके ग्रह ऐसे हैं जो पूर्ण ऊर्जा प्रकट करने का अवसर नहीं होने देते हैं। मन में अशांति, बेचैनी, घबराहट अनावश्यक कारण ही पैदा होती है। आप कृपालु प्रतिदिन हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्त्रोत के पाठ करें, वहीं शिव जी को प्रतिदिन जल यदि अर्पण करते हैं और केसर युक्त जल यदि आप छड़ाते हैं तो आपकी संपूर्ण परेशानियां, सारे कष्ट धीरे धीरे साइड में होते चले जाएंगे और आप एक महत्वपूर्ण स्थान को छूने का प्रयत्न करेंगे। आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। चलिए आचार्य जी, दर्शकों से बात हमारी हो चुकी है और अब राशि का रुख कर लेते हैं, दर्शकों को ये बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए अंकुर जी, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से, और मेष राशि के जातकों का आज आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि रहेगी, आज आपकी वाणी में बड़ी मधुरता रहेगी, फिर भी परिवार में सद्भाव बनाए रखने में परेशानी रह सकती है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, आय में वृद्धि हो रही है, क्रोध के अतिरिक्त से आज बचना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं अगली राशि का, वृषभ राशि वाले लोगों की। जीवन साथी के स्वास्थ्य से परेशान रह सकते हैं, भौतिक कार्यों से आय में वृद्धि रहेगी, वस्त्र उपहार में है, मन सकारात्मकता का प्रभाव आज रहने वाला है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण बने रहेंगे। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, मन अशांत रहेगा, धैर्यशीलता में आज कमी रह सकती है, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम आज आप बना सकते हैं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोग, आशा निराशा के भाव मन में आज आ सकते हैं, नौकरी के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, शासन सत्ता का सहयोग आज आपको प्राप्त होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शरण रुष्टा शरण तुष्टा के भाव आज आपके मन में रहेंगे। और भाई आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के, भवन सुख में वृद्धि हो सकती है, परिवार में सुख शांति रहेगी, किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति आज हो सकती है, भाग दौड़ अधिक रहेगी, शिक्षा में व्यवधान आज आ सकते हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले दर्शकों की,
आत्मविश्वास से लबोलेज रहेंगे, नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, शासन का सहयोग मिलेगा, परिश्रम थोड़ा अधिक रह सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, आज का मन अशांत रह सकता है, कारोबार में परिवर्तन की संभावना बन रही है, किसी मित्र का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है, लाभ के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं, धैर्यशीलता में कमी रहेगी, बातचीत में थोड़ा संयमता बरतें। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, संतान सुख में वृद्धि होगी, किसी पुराने मित्र से पुनः संपर्क हो सकता है, वस्त्रों पर खर्च बढ़ेगा, आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रह सकते हैं, पिता से वैचारिक मतभेद आपके आज हो सकते हैं, नकारात्मक विचारों का प्रभाव आज आपके ऊपर रहेगा, आपके मित्र का सहयोग कारोबार का विस्तार आज संभव हो रहा है, वहीं नौकरी में आज आपको तरक्की होती है। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, आज मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयत्न करना चाहिए, किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर आज आपको मिल सकते हैं, आय में वृद्धि होगी, खर्च भी आज आपके बढ़ेंगे, मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव बना रहेगा, आत्मविश्वास में कमी आ रही है, अपनी भावनाओं को वश में रखें, रोजमर्रा के कार्यों में कठिनाइयां आज आ सकती हैं, भाइयों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों, कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्रा लाभप्रद रहने वाली है, परिवार एवं मित्रों का सहयोग आज प्राप्त हो रहा है, आत्मविश्वास में परिपूर्णता रहेगी, परंतु मन में नकारात्मकता का प्रभाव बना रह सकता है, आज कोई सुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, आत्मविश्वास बना रहेगा परंतु मन परेशान रह सकता है, मानसिक शांति के लिए प्रयास करें, नौकरी में कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकते हैं, परिवार में कलहपूर्ण स्थिति रह सकती है। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, किसी पैतृक संपत्ति से धन मिल सकता है, कारोबार में वृद्धि होती है, खर्च अधिक रहेगा, आज आत्मविश्वास में थोड़ी कमी रह सकती है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने दर्शकों को बताया है आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा। इसके साथ ही तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी परेशानियों का हल भी आपने बताया, उन सभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।